वेलकम टू डेली किचन। स्वागत है आपका डेली किचन में दिल से। गणेश चतुर्थी के आने वाले इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। डेली किचन आपके लिए लेकर आया है भगवान गणपति के सबसे पसंदीदा मोदक या मोतीचूर के लड्डुओं की रेसिपी। भगवान गणपति सबको बुद्धि देने वाले देवता हैं। ये विघ्नहर्ता और सुखकर्ता हैं। मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है। तो भगवान गणेश जो पुत्र हैं माता पार्वती और भगवान शिव के, तो आने वाले गणेश चतुर्थी के इस पर्व पर भगवान गणेश की सच्चे हृदय से कीजिए पूजा, उनको भोग लगाइए, उनके पसंदीदा मोदक, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू जो आप उनके लिए घर में खुशी से, प्रेम से, सहृदय बना सकते हैं, ज़रूर बनाइए। मैंने भी डेली किचन में भगवान गणेश के लिए बनाए हैं मोतीचूर के लड्डू। आइए शेयर करती हूँ इसकी ये बढ़िया सी रेसिपी आप सबके साथ। तो आइए शामिल हो जाइए डेली किचन में और बनाइए भगवान गणपति के लिए मोतीचूर के ये लड्डू। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, ली है मैंने यहाँ पर 1/3 कप नारियल का बुरादा, और देसी घी में मैं लड्डू बना रही हूँ इसलिए मैंने लिया है 1/2 कप देसी घी। नट्स चाहे बादाम हैं, काजू हैं, किशमिश हैं, जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दूध और 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। और दूध 1 कप मैंने लिया है। यहाँ पर मैं देसी घी में सूजी को भून रही हूँ। इसको ब्राउन नहीं करना है, सूजी को हल्का सा इतना भूनना है जितने में सूजी पक जाए और अंदर से कच्ची ना रहे। यहाँ पर आप देखिए सूजी के दाने घी में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सूजी का कच्चापन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हमें इतनी ही भुनी हुई सूजी चाहिए, ब्राउन नहीं चाहिए है, ये बन चुकी है। भुनी हुई सूजी को मैंने ठंडा होने के लिए इस प्लेट में निकाल कर रख दिया है। आइए तैयार करते हैं चाशनी। 1 कप दूध मैं इस कढ़ाही में डाल रही हूँ और गर्म होने पर मैंने इसमें डाल दी है ये चीनी। दूध और चीनी को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे। दूध में चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और दूध की ये चाशनी अच्छी तरह से बन चुकी है। यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ। इसमें तार नहीं बनता है लेकिन ये हल्की चिपचिपी हो जाती है और यही हमको चाहिए।
इट इज डन। आइए दूध की इस चाशनी में ठंडी की हुई ये सूजी डालकर मिलाते हैं। करछे की मदद से दूध की चाशनी और इस सूजी को अच्छी तरह से मिलाते रहिए। लड्डुओं का रंग होता है नारंगी सैफ्रॉन, तो मैंने इसमें मिलाया है थोड़ा सा फूड कलर ताकि मोतीचूर के लड्डुओं वाला रंग इसमें आए। दूध की चाशनी और सूजी के इस मिश्रण को लगातार चलाते रहिए, मिलाते रहिए, हिलाते रहिए। ये अपने आप अपनी कंसिस्टेंसी पर पहुंचेगा, इसलिए हमें इसे लगातार भूनते रहना है। दूध की चाशनी और सूजी एक सार हो चुके हैं, अच्छी तरह से भून चुके हैं और तवे का पेंदा छोड़ रहे हैं। इट इज डन। कड़ाही को मैंने गैस से उतार लिया है और ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ नारियल का बुरादा। इससे मोतीचूर के लड्डुओं में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, इसलिए अच्छी तरह से नारियल के बुरादे को इस सूजी के मिश्रण में मिलाइए। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमारा ये मिश्रण बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट। आइए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए गणपति भगवान के लिए ये मोदक बनाते समय, मोतीचूर के ये लड्डू बीनते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है और इतना बढ़िया ये सूजी का मिश्रण तैयार हुआ है कि मैं आपसे क्या बयां करूं। बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है इन हल्के गरम गरम लड्डुओं को हथेली पर गोल गोल घुमाकर लड्डू बनाने से। वेरी वेरी नाइस। लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आइए करते हैं उनकी डेकोरेशंस। केसर और काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी नट्स आप यूज़ करना चाहें आप लड्डुओं पर लगा सकते हैं। मैं बादाम और केसर का प्रयोग कर रही हूँ। आइए शुरुआत करते हैं गणपति महोत्सव की। भगवान गणेश को लगाते हैं टीका, करते हैं उनकी आरती, उनको नमन करते हैं और लगाते हैं भोग इन लड्डुओं का। और दोस्तों, भगवान गणेश की आरती तो हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं। आइए लगाते हैं भोग
भगवान गणपति को घर के बने इन मोदकों का। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। आइए अब स्वाद लेते हैं इन लड्डुओं का, लेकिन उससे पहले देखिए ये लड्डू बना कैसा है। आइए ये लड्डू मैं आपको बीच से तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका एक एक ग्रेन चाशनी में डूबा हुआ है। ये बहुत सॉफ्ट है, देसी घी में बना है, इसलिए बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही पावन पवित्र और भगवान का प्रसाद है ये। तो अब मैं लेने वाली हूँ इसका स्वाद। तो दोस्तों आप भी अपना मुँह खोलिए और भगवान गणपति के इस प्रसाद का भोग लगाइए। बहुत ही बढ़िया लड्डू, बहुत ही मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, एक्सीलेंट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी आई होगी पसंद। आप सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, आपके सारे विघ्न दूर हों, भगवान गणपति आपके जीवन में सुख समृद्धि और हैप्पीनेस लेकर आएं। इस उम्मीद के साथ ये आरती आप सबको मिले, जो मुझे देख रहे हैं उन्हें भी, जो मुझे नहीं देखते उन्हें भी। May God bless you all. Ganpati Bappa Moriya. तो दोस्तों लाइक कीजिए डेली किचन को, सब्सक्राइब कीजिए और मनाइए खुशियों का ये त्योहार दिल से। गणपति बप्पा मोरिया।